इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार पुनः ये पंक्ति स्मरण करें, फिर बाबा को प्रणाम करते हैं। पूज्य वे प्र कल किसी अन्य विषय के साथ हम लोग सत्संग करेंगे। आज कथा के क्रम को प्रणाम करते हैं। प्रातस्मणी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस के प्रथम सर्ग में, प्रथम कांड में 43 क्रमांक दोहे तक मानस सर का वर्णन किया है। मानस सर में कथा में क्या है ये बाबा ने सुनाया है। कथा में क्या है, कथा का स्वरूप क्या है, वंदना प्रसंग है, नाम महाराज की चर्चा है और भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी महाराज से तीर्थराज प्रयाग में जो प्रश्न किया कि राम जी कौन हैं, उसके आश्रम में पहले शिव और माँ सती की कथा सुनाई। सती अम्बा को लेकर भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करे गोदावरी गंगा के तट पर पधारे। ऋषि जी ने कथा सुनाई। दंडकारण्य में भगवान शिव को प्रभु का दर्शन हुआ, उन्होंने प्रणाम किया चलते हुए कैलाश की ओर। सती अम्बा को संदेह हुआ, बाबा ने कहा जाकर परीक्षण करिए, यदि हमारी बात पर विश्वास नहीं है। कई लोगों को विश्वास सहज होता ही नहीं, आप कितनों बताओ कितनों सुनाओ, कथा भी सुनते हैं ना तो कथा में विश्वास नहीं होता, लीला देखते हैं तो लीला में विश्वास नहीं होता, क्योंकि दिमाग में इतना ज़्यादा सब भरा पड़ा है कि वो कथा को वो उतरने नहीं देता है, हृदय तक तो आने नहीं देता, इसी में वो चिंतन लगाए रहता है जीव का। सती अम्बा ने भी कथा सुनाया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव जी ने समझाया, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में परीक्षण करने गई, परीक्षा ली, पुनपुर हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, अरे आगे हुई चली पंथ दई जही आवत नर। भगवान शिव ने जाना कि सती जी ने सीता मैया का रूप धारण कर लिया है, तो शिव जी ने उनका त्याग कर दिया मन से। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि, 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली है, सती अम्बा ने जाकर के प्रणाम किया, शिव जी ने भगवान की कथा सुनाई। विमानों की आवाज, मायके में यज्ञ हो रहा था, माई जाने की इच्छा प्रकट की, भगवान शिव ने मना किया, देवी जाना बहुत अच्छा है लेकिन जानकर कोई बुलाए नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, कुछ कहिए तो मान जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक प्रयोग नहीं करते हैं तब तक बात मानते समझते नहीं है। यही हुआ, सती अम्बा पिताजी के भवन गईं और वहाँ माँ ने तो स्नेह दिया, बहनों ने मुस्कुरा कर चढ़ाया, दक्ष प्रजापति के बदन में आग लग गई। पर रामते यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते समय सती अम्बा ने देखा मेरे देव शिव बाबा का स्थान नहीं है, माँ को आवेश आ गया। तब माँ ने आवेशित होकर सुनऊ सभासद सकल मनिंदा कही, सुन जन शंकर निंदा, सोफल तुरंत लहब सब काहू, भली भांत पछताहू पिताहू, ऐसा बोलकर
अस कहि जो गय दिन तनु जारा सयम सकल मतहारा अस कहि जो गय दिन तनु जारा सयम सकल मतहारा सती मरत हरि सन पर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराधा सती मरत हरि सन पर मांगा तेहि कारण हिम गृह गृह जाई जन्मे पार्वती तनु पाई। नारद जी ने नामकरण किया माँ उमा अंबिका भवानी, आप माता पिता को यश की प्राप्ति होगी। अब इसके हाथ में बिटिया के कुछ दोष है, आपको बता दूं। लिखा है अगुण अमान मात पित हीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्तियस जे जे बर के दोष बखाने से शंकर पही मैं अनुमाने ना। हाँ, शिव जी के पास सारे सदगुण हैं जो सदगुण हमने बताए। जो विवाह शंकर संग हुई 200 गुण सम कह सब कोई कारण संब सहज समरत भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याण। जीव का कल्याण किस में है जीव को नहीं पता है, तो किसको पता है? जगदीश को पता है। जीव अपना कल्याण संसार में ढूंढता है, संसार में कल्याण नहीं है। जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। जीव का कल्याण किसमें है केवल और केवल भगवान जानते। फिर सप्तर्षियों के आगमन की कथा है, माँ की प्रेम परीक्षा है तपस्योपरांत और प्रणाम आया भगवान से मांगा था सती मरत हरि सन भर मांगा जन्म जन्म शिव यही कारण हिम गृह गृह जाही मांगा था। इसलिए भगवान राम ने जाकर भगवान शिव से अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने जाये विवाह से यह मुहिमा। आप पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से जाकर विवाह करिए। शिव बाबा कहते प्रभु उचित असना ही नाथ वचन पुन में टिक जाए सिर धरिया ये सुकरिय परम धर्म यह परमात्मा श्री राम विदा लिए शिव जी हृदय में पधरा लिए भगवान को भजन करने लगे। इतने में तारकासुर उत्पात बना दिया। क्या प्रबंधन है बाबा का दर्शन करिए। तारकासुर ने उत्पात बनाया, देवताओं ने ब्रह्मा जी का आश्रय किया। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो वही हमारा वध करे, तारकासुर ने वर मांगा है। शिव जी समाधि में जाकर समाधि खोलो। अब देवता चक्कर में पड़े कि शिव जी की समाधि जो खोले वो मरे, बड़ी कठिनाई है भाई। श्रेष्ठ से जैसे कोई बात कहनी हो, आप देखते होंगे घर में कोई बात कहनी हो तो बच्चे बाप से नहीं कहते, बाप को बच्चे अवॉइड करते हैं। फिर किससे कहते हैं? माँ को पटाते हैं, माँ से कहते हैं, क्योंकि माँ से बच्चे किसी प्रकार का संवाद स्थापित कर लेते हैं। और पिता की तो हमेशा त्योरी चढ़ी रहती है, इसलिए पिता से कोई बात शीघ्र कहता नहीं। अब क्या हो तो कामदेव को, जो कामनाओं के देवता हैं, कामना उत्पन्न करते हैं, उनको देवताओं ने समझाया और पटाया। कामदेव सोचे कि हमारा मरण तो हो नहीं, चलो चलते हैं। कामदेव साहब रंभा आदि अप्सराओं को लेकर बसंत का निर्माण करके भगवान शिव के पास पहुंचा तो लेकिन बाबा का तेज देख करके वो डर गया। फिर वापस जाएंगे तो जवाब क्या देंगे, यह सोच करके मरण ठान लिया और भगवान शिव के हृदय में पावन धनुष पर पुष्प के बाण चढ़ा दिए। जैसे ही छोड़ा है तो शिव जी को नहीं लगा, हृदय में बैठे परमात्मा शंकर सोई मूर्ति उर राखी, जो बाबा ने मूर्ति पधरा रखी प्रभु को, उसको जब बाण लगा शिव जी विकल हो गए।
दाएं बाएं देखे कोई दिखा नहीं, जब सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव कोप कम तपसीवती सर नयन भगवान ने जैसे तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र खोला, कामदेव जलकर राख हो गया। रति जी चरणों में गई, विनती करती रही। भगवान शिव ने पूछा, कौन बताई मैं रति कैसे आई, घटना बताया। जब घटना बताई रति, तब बाबा ने कहा, बताई रति तब नाथ कर हो यही नाम बिनु बप व्यापे सब सुनने जमे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।